हेलो फूडीज, वेलकम टू आसिफा कौसर्स किचन। आज मैं एक बेंगलुरु की स्पेशल फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ जो यहाँ पर हर घर में रमज़ान की इफ्तारी के लिए बनता है। तो देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। इसके लिए मैं एक छोटा मेजरिंग कप चावल ले रही हूँ। इसको अब हमें भूनना है। हमारे चावल भुन गए हैं, इसको ज़्यादा नहीं भुनना है। ये देखिए, ये कलर आने तक उसको भुनना है। अब इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। चावल को मैंने दरदरा पीस लिया है। कुकर में मैंने 1 टेबल स्पून तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें एक छोटी सी कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को सिर्फ गुलाबी होने तक पकाना है। प्याज हमारी गुलाबी हो गई है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिला रही हूँ। इसको भी थोड़ा कच्चापन दूर होने तक भून लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है। अब मैं इसमें एक छोटा सा टमाटर, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, वो डाल रही हूँ। दो हरी मिर्च, जिसको बारीक मैंने काट लिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं अब इसमें कीमा मिला रही हूँ 1 कप। यहाँ पर मैंने सूखे मसाले में 1/4 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है और सॉल्ट टू टेस्ट मैंने लिया है। अब हम इसको भी इसमें डाल देंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए हम भून लेंगे। हमारा कीमा भून गया है। अब इसमें हम कटा हुआ पुदीना और कोथिंबीर यानी धनिया पत्ती मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आपको जितना इसका पतला होना है, सूखे जैसा, या गाढ़ा होना है, ये आप उस हिसाब से पानी मिला लीजिए। मैं 1 जग पानी डाल रही हूँ। अब इसको 1 उबाल आने तक पका लेंगे। पानी पक रहा है। अब मैं इसमें जो मैंने चावल की रवा बनाई थी, मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। डालकर इसको हमें 10 से 15 मिनट तक पकाना है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप 2 सीटी लगाकर इसको पका सकते हैं। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। डिश आउट करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला दिया है। ये है बेंगलुरु की फेमस आश या गंजी। इसको रमज़ान में आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मेरा चैनल आसिफा कौसर्स किचन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।